फ्रेंड्स, आप भी जानते ही होंगे कि आज एलईडी टीवी का मार्केट सस्ते एलईडी टीवी से भरा हुआ है, लेकिन सैमसंग के महंगे एलईडी टीवी बिक ही नहीं रहे हैं लेकिन मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि ये सैमसंग के एलईडी टीवी इतने पॉपुलर क्यों हैं? तो इस वीडियो में करेंगे एलईडी टीवी का पोस्टमार्टम और मैं आपको इस एलईडी टीवी के हर एक फीचर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बट आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, जो एलईडी टीवी मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ उसका मॉडल नंबर है AU7700। ये सैमसंग का 2021 का लेटेस्ट लॉन्च एलईडी टीवी है। ये एलईडी टीवी 43 इंच से लेकर 70 इंच के साइज में आता है। हमारे पास इस एलईडी टीवी का 43 इंच वाला वेरियंट है। अगर आपको ये जानना है कि आपको कौन सी साइज का एलईडी टीवी चाहिए तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। हम इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। ये एक 4K एलईडी टीवी है और टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और सैमसंग ने इस एलईडी टीवी में बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स दिए हुए हैं। तो हम इस वीडियो में इस एलईडी टीवी को बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया जैसे कि साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, कनेक्टिविटी में 1 से लेकर 5 तक रेट करेंगे, जिससे कि आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प होगी। तो गाइस चलिए फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं इस एलईडी टीवी को और देखते हैं इसके कुछ बॉक्स कंटेंट्स। तो दोस्तों, अगर इस एलईडी टीवी के बॉक्स कंटेंट्स की बात की जाए तो इस एलईडी टीवी के बॉक्स में आपको ये पावर कनेक्शन के लिए केबल मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको 2 प्लास्टिक स्टैंड्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और इसमें आपको केबल मैनेजमेंट के लिए 2 क्लिप्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी काम के हैं गाइस। साथ ही साथ इसके बॉक्स में कैंटीना प्लग भी मिल जाता है और इस एलईडी टीवी के बॉक्स में आपको काफ़ी अच्छे क्वालिटी का एक स्मार्ट रिमोट मिल जाता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको काफ़ी सारे बटन्स भी मिल जाते हैं और सबसे आखिरी में यहाँ पे आपको एक क्विक सेटअप गाइड मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम एलईडी टीवी के लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, वाओ। ये एलईडी टीवी वाकई में बहुत प्रीमियम दिखता है। ये एलईडी टीवी 3 साइड बेजरलेस डिज़ाइन के साथ आता है जो कि आपके घर को एक मॉडर्न और एलिगेंट टच देता है और इस एलईडी टीवी के बेजल्स और स्टैंड्स डार्क ग्रे कलर के हैं और मैट फिनिश के साथ आते हैं जो कि इस एलईडी टीवी को एक प्रीमियम टच देते हैं। और अगर इस एलईडी टीवी के विड्थ की बात कर ली जाए तो इस एलईडी का विड्थ काफ़ी कम है। ये एलईडी टीवी एक स्लिम डिज़ाइन के साथ आता है। तो दोस्तों, अगर इस एलईडी टीवी के लुक्स और डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो ये एलईडी टीवी काफ़ी प्रीमियम और क्लासी है। इस एलईडी टीवी में आपको लुक्स और डिज़ाइन के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है। तो मैं इस एलईडी टीवी को लुक्स और डिज़ाइन के मामले में 4.9 out of 5 देना चाहूँगा बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज सम रूम गाइस। तो दोस्तों, ये तो हो गई लुक्स और डिज़ाइन की बात। एक एलईडी टीवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है उसका पिक्चर क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी में बेसिकली 3 चीज़ होता है, कलर्स, क्लैरिटी और ब्राइटनेस। अगर हम इस एलईडी टीवी के कलर्स की बात करें तो इस एलईडी टीवी में आपको 1 बिलियन से भी ज़्यादा कलर्स मिल जाते हैं जो कि वाकई में बहुत अमेजिंग है और कलर एनहेंसमेंट के लिए एलईडी टीवी में पर कलर दिया हुआ है जो कि आपके कलर्स को इनहेंस करके आपको एक और भी ज़्यादा विविड एक्सपीरियंस देता है। तो इस एलईडी टीवी में आपको काफ़ी अच्छे कलर्स मिल जाएंगे। अगर हम इस एलईडी टीवी के रिजोल्यूशन की बात करें तो इस एलईडी टीवी का रिजोल्यूशन है 3840x2160 और इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है और आपके 2K और फुल HD कंटेंट को अपस्केल करने के लिए इसमें क्रिस्टल 4K प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि डिसेंट अपस्केलिंग करता है। इसमें आपके कंटेंट में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं आता है लेकिन आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है। और अगर हम इस एलईडी टीवी के ब्राइटनेस की बात करें तो इस एलईडी टीवी में आपको डिसेंट ब्राइटनेस मिल जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में आपको इस एलईडी टीवी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अगर आपके एलईडी टीवी में डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है या फिर आपके रूम में बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार AU8000 चेक करें। उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और इस एलईडी टीवी में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है जिससे कि आपको डार्क सीन्स में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है। तो गाइस, ओवरऑल अगर एलईडी टीवी के पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो इस एलईडी टीवी में आपको काफ़ी अच्छे क्लैरिटी और कलर्स मिल जाते हैं। इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा लोअर साइड में है लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इस एलईडी टीवी के पिक्चर क्वालिटी को 3.5 out of 5 देना चाहूँगा। अगर इस एलईडी टीवी में और अच्छा ब्राइटनेस मिलता तो इसकी रेटिंग और ऊपर हो सकती थी। तो दोस्तों, एलईडी टीवी के अच्छे एक्सपीरियंस में जितना जरूरी उसका पिक्चर क्वालिटी होता है उतना ही जरूरी होता है उसका साउंड। अगर हम इस एलईडी टीवी के साउंड की बात करें तो इस एलईडी टीवी में आपको 20 वॉट के डुअल चैनल स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है इसका साउंड।
दोस्तों मैं एलईडी टीवी में म्यूजिक सुन चुका हूँ। इस एलईडी टीवी में आपको काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट मिल जाता है, काफ़ी क्रिस्प और क्लियर साउंड है और लाउडनेस भी अच्छी खासी मिल जाती है। अगर हम साउंड की बात करें तो इस एलईडी टीवी में आपको एक और कूल फीचर मिल जाता है, ट्यून स्टेशन। ट्यून स्टेशन में आप म्यूजिक बजाते समय अलग अलग थीम्स लगा सकते हैं। ये फीचर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आप थीम्स को भी अपने हिसाब से अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये पार्टी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है। दोस्तों अगर हम एलईडी टीवी के साउंड क्वालिटी की बात करें तो एलईडी टीवी में आपको काफ़ी क्रिस्प क्लियर और लाउड साउंड मिल जाता है और आपको साउंड के मामले में एलईडी टीवी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं एलईडी टीवी को साउंड क्वालिटी के मामले में 4 out of 5 देना चाहूँगा। दोस्तों ये एक स्मार्ट एलईडी टीवी है और स्मार्ट एलईडी टीवी स्मार्ट अपने स्मार्ट फीचर्स और यूआई से बनता है। ये एलईडी टीवी टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है जो कि सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और सैमसंग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी समय से डेवलप कर रहा है। अगर हम इस एलईडी टीवी के यूआई की बात करें तो इस एलईडी टीवी का यूआई काफ़ी ईजी टू यूज़ और यूज़र फ्रेंडली है। तो चलिए इस एलईडी टीवी के यूआई को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों अगर हम एलईडी टीवी के यूआई की बात करें तो इसके होम स्क्रीन में आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऐप्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब जैसे बहुत सारे अलग अलग ऐप्स मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे आपको फ्री मूवीज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे आपको सैमसंग टीवी प्लस का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे फ्री चैनल्स मिल जाते हैं। इन चैनल को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो ये सैमसंग टीवी प्लस का ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये ऑप्शन सिर्फ सैमसंग के टीवीज़ में एक्सक्लूसिव है। और अगर हम यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग जॉनरा के कंटेंट मिल जाते हैं जिनको आप काफ़ी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर एलईडी टीवी के यूआई की बात कर ली जाए तो एलईडी टीवी का यूआई काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गाइस ओवरऑल अगर एलईडी टीवी के यूआई की बात की जाए तो एलईडी टीवी का यूआई काफ़ी फीचर रिच और स्नैपी है और आपको जितने फीचर्स एंड्रॉयड टीवी में मिलते हैं लगभग वो सारे फीचर्स आपको एलईडी टीवी मिल जाएंगे। तो मैं एलईडी टीवी को स्मार्ट फीचर्स और यूआई के मामले में 4.5 out of 5 देना चाहूँगा। मुझे एलईडी टीवी का यूआई काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस अगर मैं एलईडी टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो इस एलईडी टीवी में आपको वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए 3 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक डिजिटल ऑप्टिकल का पोर्ट मिल जाता है, एक USB पोर्ट मिल जाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसमें ईथरनेट का पोर्ट भी दिया हुआ है। अगर मैं एलईडी टीवी के वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस एलईडी टीवी में आपको ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों मिलता है। तो गाइस कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस आपको इस एलईडी टीवी में मिल जाते हैं। तो मैं एलईडी टीवी को कनेक्टिविटी के मामले में 5 out of 5 देना चाहूँगा। तो क्या जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करता है। तो अगर हम सैमसंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो सबसे अच्छी सर्विस है वो सैमसंग की है। सैमसंग की सर्विस आप ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छी मिलती है। तो क्या अगर आप सैमसंग का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको अच्छी सर्विस ही मिलेगी। तो सर्विस के मामले में मैं एलईडी टीवी को 5 out of 5 देना चाहूँगा। दोस्तों एक स्मार्ट एलईडी टीवी बिना वॉइस असिस्टेंट के अधूरा है। इस एलईडी टीवी में आपको ट्रिपल वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको इसमें गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और बिक्सबी तीनों का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने इस एलईडी टीवी के वॉइस असिस्टेंट को काफ़ी अच्छे से यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया है, तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं इस एलईडी टीवी को वॉइस असिस्टेंट के मामले में 5 out of 5 देना चाहूँगा। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो ये सैमसंग का 2021 का एक गुड लुकिंग एलईडी टीवी है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी मिल जाती है और इसका यूआई भी काफ़ी स्नैपी है। अगर मैं इस एलईडी टीवी के एक छोटे से ड्रॉबैक की बात करूं तो मुझे इस एलईडी टीवी का ब्राइटनेस थोड़ा कम लगा। 95% लोगों को इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ये 2021 का एक काफ़ी अच्छा एलईडी टीवी है जिसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं। तो मैं इस एलईडी टीवी को आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।